राधे राधे एवरीवन, आज रात के एपिसोड में क्या कुछ खास होने वाला है, चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी महादेव के साथ, आराधना के साथ, जो कि ऋषि भृगु उनसे ये प्रार्थना करते नजर आएंगे कि नारायण धरती पर आ चुके हैं या नहीं, उसका उन्हें कोई संकेत चाहिए। और यहाँ पर दूर से देख लेंगे भार्गवी कि श्रीनिवास और गोविंद राज आ रहे हैं जहाँ पर यज्ञ हो रहा है उसी स्थान पर। और दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जो ऋषि भृगु हैं वो बार बार महादेव से यही प्रार्थना कर रहे होंगे कि कुछ भी करके उन्हें ऐसा संकेत दिया जाए जिससे उन्हें ये पता चल जाए कि नारायण भार्गवी के लिए आ चुके हैं या नहीं। और यहाँ पर बार बार गोविंद राज यज्ञ में शामिल होने की बात कहेंगे, लेकिन गोविंद राज उन्हें ज़बरदस्ती यज्ञ में ले जाना चाहेंगे और श्रीनिवास उन्हें ज़बरदस्ती खींच करके दूसरी ओर ले जाएंगे। और भार्गवी ये दूर से ये सब कुछ देख रही होती है। इधर ख्याति भी आ जाती हैं और ऋषि भृगु का यज्ञ में साथ देती हैं। इधर महादेव काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं ये सोच कर कि वो ऋषि भृगु की मदद कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऋषि भृगु को उन्होंने संकेत दे दिया कि श्रीनिवास ही नारायण हैं तो फिर वो अपनी भार्गवी को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो बद्ध हैं। और यहाँ पर श्रीनिवास को जाता हुआ देख भार्गवी ये सोच में व्यतीत हो जाती है कि ऐसे गोविंद राज को खींचकर भला श्री क्यों ले जा रहा है। इधर दिखाया जाएगा कि बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है भार्गवी, क्योंकि उन्हें विवाह नहीं करना होता है, लेकिन बार बार अपने पिताश्री के कहने पर वो मजबूरन यज्ञ में बैठ जाती हैं। फिर ऋषि भृगु और भी ज़्यादा तपस्या करते हैं और भी ज़्यादा अच्छे से यज्ञ संपूर्ण करते हैं, और जिसके पश्चात महादेव उनका वर पूरा करते हुए ज़ोरदार आंधी तूफान चलाते हैं, जिसकी वजह से भार्गवी का दुपट्टा गिरकर सामने गिर जाता है और श्रीनिवास के कंधे से एक पीले रंग का पटका गिर करके भार्गवी के दुपट्टे के ऊपर गिर जाता है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है ऋषि भृगु को कि मानो ये कोई गठबंधन हो। और ये देख कर कि काफ़ी ज़्यादा हैरान और घबरा जाते हैं और वो ऐलान कर देते हैं कि वो भी भार्गवी का विवाह जल्द से जल्द करेंगे, चाहे किसी से भी, क्योंकि उन्हें पता है कि पद्मावती और भार्गवी कुंडलियां एक जैसी हैं। ये सुनकर के भार्गवी मना कर देती है विवाह करने से, और ये देखकर के ऋषि भृगु कहते हैं कि आज से पहले कभी भी भार्गवी ने मेरी किसी बात को ना नहीं कहा, ये ना कह रही है, इसका मतलब यही है कि इस पर नारायण का प्रभाव है और वो अब आने को ही है। इधर दोनों ही भाई यानी कि गोविंद राज और श्रीनिवास नटराज मंदिर पहुंच जाएंगे, जहां पर श्रीनिवास गोविंद राज को ये बताएंगे कि दरअसल ऋषि भृगु भार्गवी के विवाह के लिए ही यज्ञ कर रही हैं। इसे सुनकर गोविंद राज बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और कहेंगे कि ये तो अच्छी बात है ना। तभी श्री कहते हैं कि नहीं, मैं आपको समझा नहीं सकता, लेकिन हम अभी नहीं जा सकते, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि उस सही समय आने पर मैं खुद उनसे विवाह की बात अवश्य करूँगा। यहाँ पर यज्ञ खत्म हो जाएगा और भार्गवी अपनी माता के साथ में अपने घर पर होगी, जहाँ पर वो कहेगी कि माँ मैं ये विवाह नहीं करना चाहती। यहाँ पर यति उनको बहुत समझाती हैं और कहती हैं कि लेकिन तुम ऐसा क्यों नहीं करना चाहती। तभी कहती हैं भार्गवी कि पद्मावती को देखो, वो अपना वर खुद सुन रही हैं, मुझे भी तो ऐसी कोई आज़ादी मिलने चाहिए। यहाँ पर उनकी माता उन्हें समझाते हुए कहती हैं कि जैसा पद्मावती अपने लिए योग्य वर ढूंढेंगी, तुम्हारे पिताश्री तुम्हारे लिए एकदम वैसा ही योग्य वर ढूंढेंगे, तो उन पर विश्वास तो करो। लेकिन भार्गवी बार बार विवाह के लिए मना करती रहती हैं, क्योंकि दिल ही दिल में उनको अभी तक नहीं पता है कि श्रीनिवास उनके बारे में क्या सोचते हैं। और जब तक उनके हृदय में ये बात क्लियर ना हो जाए कि श्रीनिवास के मन में उनके लिए कोई फीलिंग्स है या नहीं, तब तक वो अपना कोई जवाब नहीं देना चाहती, और इसीलिए वो विवाह से नाखुश है। यही हो जाएगा रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। वेल, ऐसी मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।